the internet is full of bro science fake knowledge half information or propaganda your quest of reliable authentic health information ends here so subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again so talking about sickle cell disease sickle cell anemia kya hoti hai sickle cell ki bimari aur kisko sickle cell disease disorder anemia sickle cell disease a फैमिलियल डिजीज है फैमिली में जेनेटिक बीमारी है जिसमें के आप सभी जानते हैं आपके खून में लाल रेड ब्लड सेल्स नाम की चीज़ होती है तो रेड ब्लड सेल्स यानी लाल खून के सेल्स होते हैं जो कि डिस्क शेप के होते हैं ठीक है गोल गोल डिस्क शेप के और अब ये डिस्क की जगह आधा चांद बन जाते हैं बिकॉज ऑफ सिकल सेल डिजीज तो सिकल सेल एनीमिया में यही जेनेटिक प्रॉब्लम आ जाता है कि जो गोल गोल डिस्क के जैसे रेड ब्लड सेल होने चाहिए वो अब आधे आधे चांद बन जाते सिकल हो जाते इसको हम सिकल या इसको क्रीसेंट शेप भी बोलते हैं सिकल शेप बोलते हैं तो इसलिए इसको सिकल सेल डिजीज बोलते हैं अब हो क्या जाता है कि आरबीसी का रेड ब्लड सेल्स का नॉर्मल काम है ऑक्सीजन को कैरी करना ऑक्सीजन को वो आयरन पॉर्फिरन नाम का जो रिंग होता है उसके अंदर बिल्कुल आयरन से ऑक्सीजन पोर्फ़िरिन बनता है आयरन पॉर्फेरिन रिंग में हीमोग्लोबिन होता है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन पकड़ता है सो so, आयरन पॉर्फेरिन हीमोग्लोबिन ये सब आर के अंदर होते हैं और आर ही अगर सिकल हो जाएगा क्रिसेंट आधा चांद बन जाएगा तो वो उतना ऑक्सीजन कैरी ही नहीं कर पाएगा रैदर वो सिकल सेल वो वाला सेल को बॉडी जो है खराब मान के उसको तोड़ देती है उसको वेस्ट में डाल देती है उसको रिसाइकल करने के लिए स्प्लीन में भेज दिया जाता है तो स्प्लीन जो कि आपका यू नो स्लॉटर हाउस है नॉर्मली आरबीसी की लाइफ लाइफ स्पैन होती है 120 दिन नॉर्मली लेकिन बिकॉज ऑफ सिकलिंग बिकॉज ऑफ सिकल सेल एनीमिया बिकॉज ऑफ सिकल सेल डिजीज वो रिसेंट हो अर्ध चांद बन गए तो वो फिर स्प्लीन जलते हुए स्प्लीन क्या करता है स्प्लीन का काम ही यही है नॉर्मल नॉर्मल आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो खराब चल बार समझे ऐसे चलो नो no, नो no, तुम नहीं आ सकते तुम बार नहीं तुम गए तुम गए तो वो देश निकाला यानी कि वो वहां से निकाल के अपने स्प्लीन में सिक्वेस्टर कर देती हैं सिक्वेस्टर में वो आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाता है उसका आयरन उसका वो सब वापस री हो जाता है सो पॉइंट हियर इज कि नॉर्मल आरबीसी की लाइफ होती है 120 दिन यहां पर आर बी जैसी बन रहा है उसी दिन जाके हो जाता है सो बिकॉज ऑफ दिस दी सिकल सेल पीपल जिनको सिकल सेल डिजीज होगा उसको खून की कमी हो जाएगी एनीमिया हो जाएगा सिंपल है कि नहीं सो so, क्यों होता है ऐसा सिकल सेल डिजीज सिकल सेल की बीमारी एक एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन है पूरा एक्चुअल हीमोग्लोबिन अंदर आता है उसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन एस सिकल सेल डिजीज में तो एबनॉर्मल टाइप का हीमोग्लोबिन है जो कि जो आरबीसी के अंदर प्रोटीन होता है ठीक है तो ये हीमोग्लोबिन के वजह से आई आर का कलर चेंज आर का शेप चेंज हो जाता है तो आर का शेप चेंज होता है आरबीसी फ्रजाइल हो जाते हैं फट से टूटने वाले हो जाते हैं उसी को क्रिसेंट या सीकल सेल बोलते हैं ये एबनॉर्मल सेल एक वैसे ही ऑक्सीजन को कम पकड़ता है दो बहुत आसानी से ये खून की नसों में फंस जाता है और टूट जाता है और ये भाई साहब स्प्लीन के अंदर जल्दी से टूट जाएगा सो so, ये क्या करेगा नंबर वन एक तो ये बहुत आसानी से टूट जाता है तो हेल्दी ब्लड फ्लो को ऑबस्ट्रक्ट भी कर सकता है और आ, बहुत आसानी से जो ऑक्सीजन मिल रहा है आपकी बॉडी को उसको गिरा देगा तो जितना ऑक्सीजन पहले गिरता था वो सीधा सीधा कम हो जाएगा लिटरली यू विल हैव दिस एनीमिया तो जिसको भी ये सिकल सेल डिजीज होती है उसके दोनों पेरेंट्स को दोनों के दोनों मदर एंड फादर दोनों को सिकल सेल की बीमारी होनी चाहिए तब जाके ये होगी समझे अगर आपको एक ही पेरेंट से एक ही पेरेंट या माँ या बाप से सिकल सेल की जीन मिलेगी तो आपको सिकल सेल की बीमारी नहीं होगी सिकल सेल एनीमिया नहीं होगा फिर आपको सिकल सेल ट्राइट होगा जिनके अंदर ट्रायट है वो सिकल सेल से बीमार नहीं होते मतलब वो मान लीजिए एक बहुत माइनर बीमारी हुई फिर उसकी पीपल विथ सिकल सेल ट्राइट उसको कोई सिम्टम नहीं आएंगे कोई दिक्कत नहीं होगी लेकिन वो ट्राइट रहेगा वो जीन रहेगी तो एक जीन वाला एक सिकल सेल ट्राइट वाला दूसरे सिकल सेल ट्राइट वाले से शादी करेगा तो सिकल सेल डिजीज बन सकती है सो दैट इज द आइडिया तो सिकल सेल डिजीज इंडिया में नहीं अफ्रीकन मेडिटेरियन डिसेंट्स वाले लोगों में बहुत कॉमन है साउथ सेंट्रल अमेरिका में कैरेबियंस में मिडल ईस्ट में कॉमन है और <clears throat> सिम्टम में बाइस करें जिसको होता है उनको पहले तो कोई सिम्टम नहीं होता बचपन में पैदा होने के बाद चार महीने की उम्र तक कोई दिक्कत नहीं होती है और ज़्यादातर लोगों को थोड़े बहुत जो एक्चुअल एपिसोड्स होते हैं वो क्राइसिस में आते हैं ना वॉट इज़ क्राइसिस पेनफुल एपिसोड्स होते हैं बॉडी में पेन होने लगता है जो कि एकदम से सारी बॉडी पेन करेगी जॉइंट्स पेन करेंगे लोअर बैक पेन करेगा, चेस्ट पेन करेगा लेग पेन करेंगे तो ये सारा पेन उन्हें लगता है जो कुछ घंटों से कुछ दिनों तक रह सकता है क्राइसिस सिचुएशन पेन ही पेन पेन ही पेन नाउ दिस पीपल दिस एपिसोड हर कुछ सालों में एक बार होगा ठीक है और कई सारे एपिसोड हो सकते हैं क्राइसिस बहुत सिवियर हो सकता है कि आपको भर्ती करना पड़े नाउ जब भी ऐसा कुछ होता है तो एक तो क्राइसिस हो गया सिकल सेल क्राइसिस पेन 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 दूसरा होता है एनीमिया सिकल सेल एनीमिया मतलब खून की कमी हो गई बिकॉज ऑफ सिकलिंग सिकल हो गया क्रिसेंट हो गया टूट गया जाके हुमयोगलोग, हीमोग्लोबिन ही कम है आरबीसी कम है ऑक्सीजन कम है एनीमिया एनीमिया होगा खून नहीं कम ऑक्सीजन कम तो थकावट थकावट होगी शरीर सफेद सफेद लगेगा दिल की धड़कन बढ़ेगी कम खून है कम ऑक्सीजन ज्यादा पहुंचाना है दिल पागल सामान काम करेगा सांस फूलेगा और सांस लो और सांस लो और सांस लो जैसा महसूस होगा और क्योंकि वो सिकल सेल टूट रहा है तो उसमें से जो बिलिरुबिन भी निकलता है जो पॉर्फेरिन रिंग है वो जाके बिलिरुबिन बनता है इसलिए फिर जॉन्डिस हो जाता है स्किन और आइज़ में येलोनेस आती है तो ये साइन एंड सिम्टम होते हैं जॉन्डिस सांस फूलना रैपिड हार्ट रेट पेलनेस सफ़ेद पना और फटीक राइट और जो बच्चे होते हैं उनको पेट में दर्द भी हो सकता है सिकल सेल डिजीज जिनको पेट में दर्द का अटैक आ सकता है फिर इसके साथ कई और छोटी छोटी खून की नसें होती हैं जिसमें ऑब्वियसली सिकल सेल है वो ब्लॉक भी कर सकते हैं छोटी छोटी खून की नसों में फंस सकती हैं वो वो चांद के शेप के क्रिसेंट सेल्स तो so ऐसे में कभी कभी इरेक्शन होके अटक जाता है जी हाँ प्रायप्रिजम हो जाता है पेनफुल प्रोलोंग्ड इरेक्शन कभी कभी आइज में ब्लाइंडनेस आ जाती है या फिर आईसाइड खराब होने लगती है थिंकिंग कंफ्यूजन आ सकता है एक तरीके का छोटा स्ट्रोक हो सकता है अल्सर्स आ सकते हैं पैरों में एडल्ट्स में या बच्चों में कहीं पे भी राइट अल्सर सो so उसके अलावा कब आगे चल के स्प्लीन काम करना बंद कर सकती है इतना स्प्लीन को ओवरलोड हो रहा है और इसको सिकल सेल डिजीज को इन्फेक्शन भी आसानी से हो सकते हैं बोन इन्फेक्शन ऑस्टियोमालाइटिस गॉल ब्लैडर का कॉलिसटाइटिस लंग इन्फेक्शन जिसको निमोनिया बोलते हैं और पेशाब की नली का इन्फेक्शन यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इसके अलावा जो बच्चे हैं उनकी ग्रोथ इतनी अच्छी होगी नहीं ग्रोथ डिलेड होगी प्यूबर्टी डिलेड होगी जॉइंट्स पे पेनफुल होंगे जॉइंट्स में आर्थराइटिस जल्दी हो जाएगा हार्ट और लिवर फेल हो सकता है बिकॉज ऑफ टू मच आयरन बिकॉज इन पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स देने पड़ते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन ही उसका ट्रीटमेंट है तो बहुत ज़्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूजन में आयरन ओवरलोड हो जाता है तो हार्ट और लिवर में जमा होने लगता है और हाइट और लीवर फेल हो सकते हैं सो ये सारा बेसिक है इस बीमारी को डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट करने होते हैं बिलीरुबिन लेवल ऑक्सीजन लेवल मतलब मैनेज करने के लिए सिकलिंग सेल टेस्ट भी आता है जो बेसिक डिटेक्ट कर लेगा फिर सिरम पोटेशियम क्रिएटिन, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरोसिस कंप्लीट ब्लड काउंट ब्लड ऑक्सीजन सेचुरेशन और बिलीरुबिन इसका पूरा वर्कअप है लेकिन मेन टेस्ट हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरोसिस और सिकल सेल टेस्ट ये दो टेस्ट से डायग्नोसिस होगा बाकी सब तो मैनेजमेंट के लिए जरूरी है मैनेजमेंट क्या है गोल है कि आपके सिम्टम्स कंट्रोल हो जाए और एक नॉर्मल लाइफ जी पाओ और क्राइसिस सिचुएशन जो पेन है वो अवॉइड कर सको जिनको सिकल सेल डिजीज है वो ऑलरेडी और, ट्रीटमेंट uh, ले रहे होते हैं और ऐसा नहीं है कि क्राइसिस नहीं है तो ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है फिर भी ट्रीटमेंट चाहिए होता है पीपल विल विल उनको फॉलिक एसिड सप्लीमेंट रेगुलरली चाहिए फॉलिक एसिड हेल्प करता है नए ब्लड के सेल्स बनने में रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन चाहिए होता है अगर आपको क्राइसिस हो रहा है तो अगर क्राइसिस है तो रेगुलरली दिया जाता है स्ट्रोक को प्रिवेंट करने के लिए कब पेन मेडिकेशन दी जाती है क्राइसिस में पेन सिचुएशन में और फ्लूइड्स दिए जाते हैं बहुत ज़्यादा पानी पिलाया जाता है इसके अलावा कुछ दवाइयाँ आती हैं जैसे कि हाइड्रोक्सी यूरिया जो कि नंबर ऑफ पेन एपिसोड्स कम करती है एंटीबायोटिक्स दिया जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन अवॉइड करने के लिए मेडिसिन दी जाती है आयरन को कम करने आयरन के अमाउंट चिलेटिंग एजेंट्स दिए जाते हैं कई बार किडनी के ऊपर जब इफ़ेक्ट आने लग जाए मान लीजिए आयरन ज़्यादा हो गया या आगे चल के स्टेजेस में तो किडनी के लिए डा, डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ सकती है और बहुत साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी चाहिए होता है गॉल ब्लैडर में जैसे हमने कहा इन्फेक्शन आ जाए गोल स्टोन हो जाए तो गोल स्टोन में गॉल ब्लैडर रिमूव करना हड्डियों में प्रॉब्लम आ जाए हिप रिप्लेसमेंट ये सब लाइफ में फिर ज़रूरत पड़ती रहती है सर्जरी करनी पड़ सकती है आँख प्रॉब्लम आई की प्रॉब्लम के लिए पैरों में अल्सर हो गया तो उसका वून्ड केयर ज़्यादा पेन खाली है तो उसके लिए फिर अल्सर्स वल्सर्स हो सकते हैं पेट के अंदर इसके अलावा बोन मैरो स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांट आ चुके हैं जो कि सिकल सेल को क्योर कर सकते हैं बोन मैरो एंड स्टेम सेल ट्रांसप्लांट मगर ये हर एक के लिए ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये एक तो अभी बहुत ज्यादा मैच होना चाहिए एक तो स्टेम सेल डोनर मैच होना चाहिए नहीं मैच होगा तो काम नहीं करेगा सो so एक एक ऑफ एंड ऑल किसी किसी की किस्मत अच्छी होती है जिसका एक्चुअल ट्रीटमेंट पूरा तरह हो जाता है इसके अलावा उनको प्रिवेंशन के लिए इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगानी चाहिए एच आई बी न्यूमोकोकल वैक्सीन न्यूमोकोकल पॉलीसेक्राइड वैक्सीन कॉन्जुगेट वैक्सीन ये सब वैक्सीन्स लगानी चाहिए ताकि इन्फेक्शन का रिस्क कम हो जाए तो ये हुई सारी जानकारी सिकल सेल के बारे में आई होप यू अंडरस्टूड देखो पहले सिकल सेल का कोई उम्र में कोई मैनेजमेंट नहीं था तो 20 से 40 साल की उम्र में वो मर जाते थे बेचारे अब मॉडर्न केयर के हिसाब से दो तो मिनट अब मॉडर्न केयर के हिसाब से वो 50 के ऊपर भी जी लेते हैं 50-60 तो दिस इज गुड और क्या चाहिए होता है बताओ तो सिकल सेल डिजीज और जैसे ऑर्गन फेलियर और इन्फेक्शन ये दो ही कारण होते हैं सिकल सेल डिजीज में डेथ होने के आगे चल के लेकिन 50-60 उम्र तक आराम से जी सकना अपने आप में बहुत बड़ी बात है राइट सो मेक श्योर आप अपने डॉक्टर से इन सारी चीज़ों के बारे में बात करो अगर आपको ये बीमारी है किसी भी प्रकार का क्राइसिस है हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरोसिस एंड सिकलिंग टेस्ट कैन बी डन थैंक यू सो मच शेयर द वीडियो किसी ना किसी के काम आएगा स्टे कनेक्टेड स्टे हेल्दी